Hello friends, welcome to Aditi Classes. Now I am Richa Sethia. I am taking a class of Business Economics, which is the third unit of your syllabus of UGC NET. Now we are studying the Business Economics. First, we are taking a first topic of meaning and scope of Business Economics. Now today we are studying the डेफिनेशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. सब मिलके काम करने वाला है. बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि अकेला काम करेगा. वो क्या कर रहा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज. वो क्या है? इंटीग्रेशन है किसका? इकोनॉमिक थ्योरीज का इंटीग्रेशन है विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस. और हम उसको एज ए प्रैक्टिकल वे में भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग. और इसका पर्पस कहाँ यूज किया जाता है? फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए. बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम कहाँ यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेंगे और फॉरवर्ड प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए यूज किया जाएगा कि आज अगर इन्फ्लेशन है और बैंक रेट बहुत ज्यादा लो है और रेपो रेट भी बहुत ज्यादा लो है, हाई है, तो इन केसेस में हम अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, वो हम सारा स्टडी करने वाले हैं. कि बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है उसका क्या यूज है, और एक जो इंडिविजुअल और मैनेजर के ऑब्जेक्टिव के लिए उसका क्या यूटिलाइजेशन है. अगर हम उसके नेचर की बात करते हैं, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दैट वॉज द सेम थिंग. अगर करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि वो हमें किस लिए हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है. अगर इकोनॉमिक्स में हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम है या फिर हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज कम है, इन रिसोर्सेज का हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं. अगर हमारे पास, मान लो हम एक ऑप्शंस को अडॉप्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव वेरी हाई कॉस्ट. अगर हम दूसरे ऑप्शन को यूज करते हैं तो हमें लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमें लगता है कि थर्ड ऑप्शन वॉज द बेटर वन. तो हमें एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो हम क्या चूज करेंगे? थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे जब हमें लगेगा कि हमारा लेबर भी इसके अकॉर्डिंग वर्क ऑन कर लेगा और हमारी जो कैपिटल भी है उसमें इन्वेस्ट कर हो जाएगी. क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या नंबर ऑफ रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है जिससे हमारी जो लायबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इंक्रीज नहीं हो और हम अपने एसेट्स का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर पाए. नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, गोल ओरिएंटेड एंड प्रिस्क्रिप्टिव. कि हमारे जो इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो क्या होनी चाहिए? उनको प्रैक्टिकल वे में यूज करना आना चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए. हम अपने गोल को भी अचीव कर पाए और साथ साथ हमारे जो मैनेजर्स के गोल हैं, जो इंडिविजुअल गोल हैं, वो भी हम लोग अचीव कर पाए. अगर वो उनमें से एक भी गोल अगर हम अचीव नहीं कर पाते, मान लो हमारे जो लेबर है वो ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में वो स्ट्राइक कर देंगे और लॉकआउट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? लेबर सेटिस्फाइड होने ना होने से भी हमें लॉस होगा. और अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो प्रॉफिट बियरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती है तो उस केसेस में भी हमें लॉस होने लग जाएंगे. तो हमें क्या होना चाहिए कि गोल ओरिएंटेड भी होना चाहिए. हमारे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ हेल्प करता है हमें? गोल ओरिएंटेशन में भी हेल्प करता है और हमें फॉरवर्ड प्लानिंग भी करता है. यानी कि हमें पहले से ही बता देगा कि इन फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट किस हिसाब से आएंगे. जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जीडीपी का जो एस्टिमेशंस हैं, बहुत सारे सर्वे अलग अलग देते हैं, तो एनएसओ भी देता है हमारा सर्वे. तो जीडीपी कितना रहेगा ऑल ओवर इंडिया का पूरे साल, तो वो भी एक एस्टिमेशन आता है. कई बार हम आरबीआई भी देता है, तो हम उस एस्टिमेशंस पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन हमें एक फॉरवर्ड प्लानिंग करने में वो हेल्प आउट करता है कि फॉरवर्ड प्लानिंग किस हिसाब से करनी है ताकि हमारा जो जीडीपी है क्या रहेगा. नेक्स्ट वॉज द प्रैग्मेटिक. अगर हम बात करें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए उसका एक करेक्टरिस्टिक्स है, दैट वॉज द
प्रैग्मेटिक, यानी कि हम उसको प्रैक्टिकल वे में यूज करें. जब हम एक एनालिटिकल टूल्स को प्रैक्टिकल वे में यूज नहीं कर पाए, दैट वॉज द वर्थलेस, वैल्यूलेस, हमारे लिए वो किसी काम के नहीं है. वो तो एक किताबों में पढ़े हुए हमें बता दी है कि इतनी थ्योरीज हैं, इतना सब कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल वे में कोई यूज नहीं है तो हम उस टूल्स का, वो हमारे लिए बेकार है वो टूल्स. तो इसीलिए वो क्या होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल वे में उनका यूज होना चाहिए. दैट वॉज द सेम बाय द बिजनेस इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, दैट वॉज द मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को करता है. ये दोनों पॉइंट मैं कंबाइन क्लियर कर देती हूँ. दैट वॉज द टेकिंग द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. कैसे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम लोग बात करते हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वॉज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट वॉज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम किसी स्टडी का, कोई इंडिविजुअली फर्म का स्टडी करते हैं या इंडिविजुअली इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं, वो किस में कंसिडर की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. छोटी होती है ना, माइक्रो मीन्स छोटा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंसिडर करते हैं उसको. मैक्रो मीन्स बड़ा, तो यानी कि इसमें हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारे जो इन्फ्लेशन है, कैपिटल बजटिंग है, तो इन्फ्लेशन हो गया, हमारे जो प्रोडक्शन हो गया, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प आउट करता है. क्योंकि जब हमारे जो बजटिंग है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन है, हमारा जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, आरबीआई के जो रेट्स निकल रहे हैं, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, तो इन सारी चीजों का एक अनएम्प्लॉयमेंट है, वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है. तो ये बेसिकली किससे हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करते हैं और उसके हिसाब से चेंज करने के लिए सपोर्ट करते हैं कि अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है तो आप अपनी डिमांड को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो और किस तरीके से आप एक पब्लिक की डिमांड को, एक प्रोडक्ट की जो डिमांड, प्रोडक्ट को परचेज करने की जो हमारा परचेजिंग पावर है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो. ड्यू टू दीज मैक्रो इकोनॉमिक्स द माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स द माइक्रो इकोनॉमिक्स सपोर्टेड. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, ए नॉमिनेटिव साइंस. व्हाई वी से द नॉमिनेटिव साइंस, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें हम कहते हैं दैट वॉज कंसर्न टू वट ऑट टू बी रेदर देन वट इट इज. यानी कि हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो, वो दोनों ही अचीव करने चाहिए. अगर इन दोनों ही अचीव होंगे, दैट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा बूम पे जाएगा. और जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो इनमें क्या है, बेसिकली दो एस्पेक्ट्स पे डिपेंड है, चाहे वो एम्स और ऑब्जेक्टिव हो गए, फर्म्स के भी हो सकते हैं, मैनेजर्स के भी हो सकते हैं, वो दोनों ही अचीव करने चाहिए. हमारा बेस, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, हमारे एम्स जो ऑब्जेक्टिव और एम्स हैं वो हमारे क्लियर नहीं है, उस बेस में हमें पता ही नहीं चला हमने क्या अचीव करना है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उस केसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो डाउनफॉल होने लग जाएगा, वो लॉस में आने लग जाएगी ऑर्गेनाइजेशन. और उसी तरीके से अगर हम इसके एस्पेक्ट्स की बात करें, सेकेंड एस्पेक्ट वॉज द हाउ टू अचीव दीज एम्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. कि अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती हैं, चाहे अब ये लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम, तो हमने उस सिचुएशन को कैसे डील करना है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे. अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन हो, हमारी जो लेबर है वो काम करे, अगर मान लो किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, मार्केट में उसकी सप्लाई है ही नहीं, जीरो सप्लाई, तो उस केसेस में हमने प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, स्विच कर जाना चाहिए, हमें उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ऑन कर जाना चाहिए. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया कि अब उन्हें लगा कि हमारे जो ये प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो कोविड के टाइम में मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, सभी ने मास्क लगाए हुए थे, जरूरत थी, हर किसी को 5-6-7 मास्क की रिक्वायरमेंट थी,
तो उस केसेस में ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि मास्क का प्रोडक्शन करने लगे। जब मास्क का प्रोडक्शन हुआ कि हमने उस चीज को, सिचुएशन को टैकल किया ना, जिस हिसाब से हमारी जो लेबर है, हमारी लेबर फोर्स है वो भी फ्री नहीं रही, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो भी एक जो कैपिटल जनरेट होनी चाहिए थी, एक प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था, वो भी हो गया। तो दोनों सिचुएशंस में हमने किस तरीके से डिसीजन लिया ये हमें क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश ही तभी करेगा जब उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं और उसको एक सिचुएशन को टैकल करना आता है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, दैट वाज द मल्टीडिसिप्लिनरी। हमने डेफिनेशन में भी ये स्टडी किया, दैट वाज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है यानी कि एक इकोनॉमिक्स थ्योरीज का भी इंटीग्रेशन है और प्रैक्टिकल वे में भी यूज करते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन है बहुत सारे डिसिप्लिन्स यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का भी है। उस केसेस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, ऑपरेशन रिसर्च हो, या फिर हमारा बात करें हम हमारा स्टैटिस्टिक्स हो, तो इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। इट इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी यानी कि इसका इफेक्ट हमें बाकी डिपार्टमेंट में भी दिखेगा, वहां पे भी हमारे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, दैट वाज द कॉन्सेप्चुअल एंड मेट्रिकल। कॉन्सेप्चुअल मींस दैट वाज द थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल जब हम थ्योरीज की बात करते हैं कि हम बिजनेस थ्योरीज और इकोनॉमिक्स थ्योरीज का यूज तो कर ही रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल वे में यूज करते करते साथ में हम ये देख रहे हैं कि उसका इन अ मेट्रिकल फॉर्म, मेट्रिकल मींस क्वांटिटेटिव टर्म्स में दूसरे डिपार्टमेंट में क्या इफेक्ट आ रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट, कितना सेल्स आ रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना कैपिटल जनरेशन हो रहा है, तो उस केस में भी हम देखेंगे कि मेट्रिकल फॉर्म में उसका क्या इफेक्ट रहेगा। क्लियर हुआ टॉपिक? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट इट, एंड ऑल्सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।